एपिसोड की शुरुआत में हम हीरो के सदस्यों को दिखाया जाता है जहाँ पे एक मेंबर को निकाल रहे होते हैं जिसका नाम रेन होता है। यहाँ पे एक लड़के का नाम होता है एरस जो कि यहाँ पे इसे निकाल देता है। दरअसल रेन एक बीस्ट टेमर है जो कि लड़ाई के लिए सूटेबल नहीं है, पर उसके बावजूद वो कड़ी मेहनत करके अपने साथियों को सपोर्ट करना चाहता है और उसे हमेशा ऐसा लगता था उसके चारों साथी उसके ऊपर हमेशा भरोसा करते थे, पर लगता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेन फिर यहाँ पे एरियस को कहता है वो उसके साथ मजाक कर रहा है ना, पर एरियस कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा। तो इतने में इसकी एक और साथ यहाँ पे आ जाते हैं जिसका नाम लीन होता है जो कि इसकी बेइज्जती करती है और कैसे कहती है कि वो किसी काम का नहीं। ये चारों के चारों मिलके इसकी बेइज्जती करते हैं और रेन को समझ में आ जाता है इसकी पार्टी इसका सिर्फ यूज कर रहे थे, तो रेन यहाँ पे हीरोज की पार्टी को छोड़ देता है। फिर एक जगह ये बैठ के सोचने लग जाता है कि आगे ये क्या करेगा। रेन फिर जब पुराने समय को याद करता है तो उसे याद आता है कि उसके सारे साथी हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे। पहले तो इसे ऐसा लगता था कि उसके जो साथी वो इसलिए इसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं कि वो उसे स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, पर वो समझ गया कि वो लोग शुरू से इसे हेट करते थे। पर अब ये सोचता है कि आगे ये क्या करेगा। रेन के पास यहाँ कुछ करने के लिए है नहीं और ना ही उसके पास जाने के लिए कोई घर है। उतने में कुछ बच्चे यहाँ पे आ जाते हैं जो कि इसे कहते हैं उन्हें ये देखना है कि रेन बीस्ट को कैसे टेम करता है, जिसके बाद रेन एक पंछी को यहाँ पे टेम कर लेता है और यहाँ पे वो आके इन बच्चों को सलाम ठोकता है। ये बच्चे कहते हैं कि रेन काफी ज्यादा औसम है और रेन की ये सारी तारीफ करने लग जाते हैं। रेन फिर इस पंछी को रिलीज कर देता है और इन बच्चों को बताता है कि ये टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट था, हम कुछ देर के लिए इसे रोक सकते हैं पर हम एक परमानेंट वाला भी रख सकते हैं, ये सब तुम्हारे ऊपर है। तो एक बच्चा कहता है वो बड़ा होकर रेन जैसा बनना चाहता है, पर रेन कहता है तुम तो हीरो बनना चाहते थे ना। ये बच्चे रेन को बताते हैं कि ये पहले हीरो बनना चाहते थे पर जब से हीरो की पार्टी को उन्होंने देखा है वो काफी ज्यादा बदतमीजी से इनसे बात करते हैं, वो कोई भी अच्छे से बिहेव नहीं करता इनसे। तो यहाँ रेन समझ जाता है कि लोग उससे बुरा बर्ताव क्यों किया करते थे जब वो सब्जी लेने के लिए मार्केट में जाया करता था। तो एक बच्चा रेन को कहता है कि वो बड़ा होकर एक एडवेंचरर बनना चाहता है, तो रेन सोचता है कि हाँ एडवेंचरर काफी अच्छा रहेगा। रेन सोचता है अगर वो एक एडवेंचरर बन गया तो अपने स्किल की मदद से काफी अच्छे पैसे कमा पाएगा और अब रेन फैसला कर लेता है, जिसके बाद ये गिल्ड पे जाता है रजिस्ट्री कराने के लिए, जहाँ पे इसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम नटालिया होता है। वो उसे एडवेंचरर्स के कई सारे रूल्स बताती है और कैसी एडवेंचरर बन सकता है वो भी इसे बताती है। रेन फिर सब कुछ समझ जाता है। यहाँ नटालिया फिर कहती है कि चलो अब तुम्हारा एडवेंचर ट्रायल शुरू करते हैं। नटालिया फिर जब रेन की एबिलिटीज को चेक करती है तो 20 टीमर की होती है। नटालिया फिर इसे पूछती है क्या रेन सचमुच एक एडवेंचरर बनना चाहता है, पर रेन इसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता। ये कहती तुम्हें अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए, पर फिर भी इसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता। हमें फिर रेन को दिखाया जाता है यहाँ पे वो गॉब्लिन्स को देख रहा होता है और उनके ऊपर हमला कर देता है। दरअसल रेन को गॉब्लिन्स को मारने और कुछ हर्ब्स इकट्ठा करने हैं जिससे वो गिल्ड में रजिस्टर्ड हो पाए। केन फिर यहाँ पे सारे गॉब्लिन्स को एक एक करके मार देता है और साथ ही साथ वो खुश भी होता है कि एक एफ रैंक होने के बावजूद वो इन मॉन्स्टर को मार पाया। केन ने गॉब्लिन्स को मार के कई सारे स्टोन इकट्ठा कर लिए होते, अब सिर्फ इसे हर्ब्स इकट्ठा करने हैं। पर अचानक से कुछ आवाज सुनाई देती है इसे और ये देखता है एक किलर टाइगर को जो कि एक लड़की के ऊपर हमला कर रहा होता है। केन इस टाइगर के ऊपर हमला कर देता है पर इस टाइगर को कुछ होता नहीं है क्योंकि ये काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है और इसका लेवल भी केन से काफी ज्यादा होता है, पर वो टाइगर को डिस्ट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाता है। केन फिर इस लड़की को कहता है कि जब तक इस टाइगर को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है वो लड़की यहाँ से भाग जाए। ये फिर सोचने लग जाते है कि कम से कम वो मरते मरते एक लड़की की तो जान बचाएगा, पर उस लड़की को देखता है और कहता है कि तुम अभी भी यहाँ पे क्या कर रही हो, और अचानक से वो लड़की एक जोरदार छलांग मारते और एक ही वार में उस टाइगर को खत्म कर देती है। केन फिर सोचता है आखिर ये लड़की है कौन, जिसके बाद उसे ध्यान से देखता है तो इसे समझ में आ जाता है ये एक अल्टीमेट स्पीसीज से है। हमें फिर बताया जाता है कि इस दुनिया में अल्टीमेट स्पीसीज उन्हें कहा जाता है जो कि ड्रैगोनाइट फेरीज और डेमी गॉड्स होती है जो कि इस दुनिया में काफी कम दिखाई जाती है और लोगों से वो छुपके रहते हैं, और ये लड़की भी उन्हीं स्पीसीज में से एक है जिन्हें हम कहते हैं कैट स्पिरिट। रेन इसी लड़की को देख रहा होता है पर वो लड़की अचानक से बेहोश हो जाती है। रेन उसे पकड़ लेता और कहता है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, पर वो देखता है इसका पेट गुड़गुड़ा रहा होता है, दरअसल इसे भूख लग रही होती है, इसी वजह से रेन अपना खाना इसे दे देता है। रेन फिर सोचता है कि सचमुच ये लड़की स्पेशल स्पीशीज की है जिसकी ताकत का मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, जो कि इस दुनिया में काफी कम पाए जाते हैं और ये उनमें से एक है, जिसके बाद ये कहता है कि तुम्हारा पेट तो भर गया है ना। ये लड़की रेन का शुक्रिया करते हुए कहती है अगर वो नहीं होता तो शायद वो अपने दादा दादी की तरह स्वर्ग लोग पहुंच जाती अब तक। रेन कहता है इसमें कोई सी बड़ी बात नहीं है। ये लड़की फिर अपना नाम कानादे बताती है इसे और ये कैट स्पिरिट है वो भी इसे बता देती है। रेन फिर से कहता है वो यहाँ पे एडवेंचर ट्रायल के लिए आया और उसका नाम रेन है।
यहाँ पे ये फिर इसे मिस बोलता है। तो ये कहते हैं कि उसे मिस बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसे काना दे भी बुला सकता है। रेन फिर से पूछता है कि वो उस जंगल में क्या कर रही है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। काना दे से बताती है कि वो दरअसल यहाँ पे घूमने के लिए आई थी। कैट स्प्रिट होने की वजह से इसकी जो स्पीशीज है वो काफी ज्यादा रेयर है और ये माउंटेन में छुपके रहते हैं, पर वहाँ पे सब कुछ बोरिंग है, इसी वजह से काना दे यहाँ पे घूमने के लिए आई थी। पर अचानक से टाइगर ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसके बाद रेन उसे बचाने के लिए आया, वो उसका शुक्रिया करती है। ये दोनों फिर अपने बारे में कई अलग अलग चीजें एक दूसरे को बताते हैं। रेन फिर अपने बारे में इसे बताता है कि वो 6 महीने तक हीरोज के टीम में था और 6 महीने बाद उन्होंने इसे निकाल दिया क्योंकि ये किसी काम का नहीं था। तो ये कहती है वो तुम्हें कैसे निकाल सकते हैं। केन कहता है कि कोई बात नहीं, उस पार्टी में वो रहना भी नहीं चाहता था, पर उसे खुशी हुई कि कानादे उसकी तरफ से गुस्सा हो रही है। ये फिर कानादे के सर पे हाथ फेरने लग जाता है और उसे अच्छा लग रहा होता है। और कानादे रेन को कहती है, वो इसे एक बात क्लियर करना चाहती है कि रेन बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, वो काफी ज्यादा ताकतवर है और इसी वजह से वो चाहती है कि रेन उसे टेम करे। ये कहता है ये इम्पॉसिबल है, पर कानादे कहती है कि जब वो उसके पास आया था उसके दिमाग में एक इलेक्ट्रिसिटी जैसी दौड़ी थी कुछ, तो इसी वजह से वो उसे ट्राई करने के लिए कहती है। रेन फिर इस चीज के बारे में काफी ज्यादा सोचता है और कहता है कि ठीक है, इस चीज को हम ट्राई करके देख सकते हैं, और वो अपने टेमिंग की प्रोसेस चालू कर देता है। और कुछ देर की प्रोसेस के बाद रेन इसे कहता है कि कानादे अपना तुम नाम लो, और कानादे अपना नाम लेती है और इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और कानादे और रेन के बीच में अब एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका होता है। ये कहती है कि क्या हम दोनों अब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये कहता है कि हाँ। रेन फिर कानादे को कहता है कि तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगेगा। कानादे कहते हैं कि हाँ मुझे भी ऐसे ही लगेगा। कानादे फिर इसका हाथ पकड़ के दौड़ने लग जाती है। केन फिर सोचता है कि उसे नहीं पता कि इस दुनिया में कितने अल्टीमेट स्पीसीज है, पर एक उसके पास आ चुकी है, उसे हीरोज की टीम से निकाल दिया गया था, पर अब उसके साथ एक अल्टीमेट स्पीसीज वाली लड़की काम कर रही है। केन फिर यहाँ पे हर्ब्स इकट्ठा करने के लिए आ जाता है, तो कानादे कहते हैं हम वापस नहीं जा रहे। ये कहता है कि पहले मुझे अपना एडवेंचर का काम खत्म करना पड़ेगा, तभी मैं वापस जा सकता हूँ। रेन फिर एक खरगोश को ढूंढता है और उसे टेम कर लेता है, जिसके बाद यहाँ और भी ज्यादा खरगोश आ जाते हैं। तो रेन कहता है कि ठीक है, इन सबको मैं टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट पे टेम कर सकता हूँ। कानादे कहते हैं तुम क्या करने वाले हो। कानादे एकदम हैरान होते हैं क्योंकि वो पहली बार देख रही होती है कि एक इंसान इतने सारे जानवरों को एक साथ टेम कर रहा होता है। ये इसे बताती कि पहले से ही कानादे काफी ज्यादा इसके लिए, पर उसके साथ ही और दूसरे एनिमल को टेम कर रहा है, उसने आज तक किसी को भी ऐसा करते हुए बिल्कुल नहीं देखा है। पर रेन कहता है यहाँ पे ये तो उसके विलेज में एक नॉर्मल सी बात हुआ करती थी, वहाँ के लोग कई सारे मॉन्स्टर्स और कई सारे जीवों को एक साथ टेम किया करते थे। रेन कहता है ये तो नॉर्मल सी बात है, पर कानादे कहती है बिल्कुल भी नॉर्मल बात नहीं है। हमें फिर एडवेंचर गिल्ड में दिखाया जाता है, जहाँ नटालिया केन को कहती है कि तुमने सब चीज इकट्ठा कर लिया है और तुम अब एक एडवेंचर बन चुकी हो। तो यहाँ पे इसे कांग्रेस करती है और साथ ही साथ इसे एफ रैंक के बैज भी देती है और कहती है ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान से रखना। और साथ ही साथ ये जो गॉब्लिन्स को मार के लाया होता है उसके पैसे और साथ ही साथ हर्ब्स के भी इसे पैसे देती है और इसे गुड लक करती है। फिर हम देखते हैं कानादे कहती है क्या तुम एडवेंचर बन गए। तो ये कहते हैं कि हाँ मैं एडवेंचर बन गया। कानादे फिर इसे कांग्रेस करती है, रेन इसे शुक्रिया करता है और वो इसे पूछता है कि वो कई सारे जॉब्स को अब एक्सेप्ट करने वाला है चाहे वो जैसे भी हो। तो कानादे कहती है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कि जहाँ जाएगा वो अभी उसके पीछे चली जाएगी। उतने में एक आदमी कानादे को देख के कहता है कि उसने पहली बार एक स्पिरिट कैट को देखा है। एक स्पिरिट कैट यहाँ पे दिखना काफी ज्यादा रेयर है, वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। कानादे कहते हैं कि इससे उसको कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। आदमी फिर कानादे को ड्रिंक के लिए बुलाता है और साथ ही साथ रेन की भी बेइज्जती करता है। तो यहाँ पे कानादे कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए वो उसकी बेइज्जती कर सकता है, पर उसके सामने उसके मास्टर की बेइज्जती करना उसे जरा से भी मंजूर नहीं है। तो ये आदमी इसके ऊपर हंसने लग जाता और कहता है कि लड़का वो भी तुम्हारा टेमर, मेरे साथ बकवास मत करो। पर कानादे कहती है वो उसके साथ बकवास नहीं कर रही, रेन उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये आदमी रेन को कहता है कि अगर तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो तो मेरे साथ पंजा क्यों नहीं लड़ाते। ये आदमी फिर रेन को कहता है अगर तुम कैट स्पिरिट को टेम कर सकते हो तो तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग होगे। क्या हुआ, डर गए क्या, या तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करना नहीं चाहोगे। यहाँ पे फिर रेन सोचता है कि अगर उसने इसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया तो ये कानादे का पीछा भविष्य में भी नहीं छोड़ने वाला, तो इसी वजह से ये इसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। फिर ये आदमी से बताता है अगर मैं जीता तो मैं उस लड़की को ले लूंगा तुमसे। इन दोनों के बीच में फिर आर्म रेसलिंग चालू हो जाती है और रेन इसे एक ही बार में हरा देता है। और ये देख कि रेन जीत गया, कानादे काफी ज्यादा खुश होती है और इस आदमी का जो हाथ है वो दर्द से कर्रा रहा होता है। उतने में यहाँ पे नेटली आ जाती है जो कि उस आदमी को देखती है और उसको देखने के बाद वो रेन से माफी मांगती है, जिसके बाद वो कहती है कि इस आदमी को हमारे गिल्ड काफी दिनों से देख रहा है और इस आदमी के बर्ताव को देखने के बाद गिल्ड ने फैसला किया है वो इसके लाइसेंस को रद्द कर देगी। पर अचानक से वो आदमी नेटली की फ्रॉग पकड़ लेता है जिससे उसे
काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो टेबल को लेती है और उसके सर पे फोड़ देती है और उसे माफी भी मांगती है, जिसके बाद ये रेन से पूछती है कि ये लड़की तुम्हारे साथ क्या कर रही है, तुम ट्रायल पे गए थे वो तो मुझे पता है, तुम अल्टीमेट स्पीसीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। रेन और काना देश का ये रूप देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं, पर ये कहती है ये मेरा नॉर्मल रूप नहीं था, ये थोड़ा भयानक था जो कि मैं इन जैसे लोगों के लिए यूज करती हूँ, और ये खींच के इसे ले जाती है। वही रेन सोच रहा होता है कि इसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत कहाँ से आई, तो काना देश से बताती है कि रेन ने जब उसे अपना टीम बनाया तो उसकी जो ताकत है एक मास्टर के तौर पर उसके अंदर भी आ गई। तो एक तरह से रेन के अंदर अभी एक कैट स्पिरिट की पावर है। तो रेन कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अजीब है, ऐसा लगता है ये सपने की तरह है। रेन फिर काना देश को बताता है कि उसके होम टाउन में ऐसा कोई भी नहीं था जिसने कभी भी एक अल्टीमेट स्पीसीज को टेम किया होगा, तो उसे पता नहीं ये कैसे यूज करते है। यहाँ पे फिर कहती है कि चलो मिशन पे चलते हैं, पर यहाँ पे हर गैदरिंग का मिशन होता है। तो काना देश कहती है कि हम मॉन्स्टर को मारने क्यों नहीं चलते, तो ये कहता है कि हमारा एफ रैंक है अभी, तो इसी वजह से हम मॉन्स्टर को नहीं मार सकते, तो हमें जो जॉब मिल रहा है वो हम नॉर्मली कर सकते हैं। तो काना देख कहते ठीक है मैं सारे हर्ब्स को तुम्हारे लिए इकट्ठा कर लूंगी, पर उतने में ये खरगोश को टेम कर लेता है और उनसे सारी चीजें इकट्ठा करवा लेता है। काना देख केन को कहती है उसकी फिमिलियर होने का क्या ही फायदा, वो उसकी हेल्प करना चाहती है। रेन ने कुछ खरगोशों को टेम कर लिया, उनसे सारा काम करा दिया, और ऊपर से एक खरगोश ज्यादा अपने ऊपर प्राउड कर रहे है, मैं क्या करूँ मैं किसी काम के नहीं हूँ। रेन फिर से कहता है उसे इस चीज के बारे में ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये फिर कहते हैं कि चलो हम वापस गिल्ड में चलते हैं, पर उतने में यहाँ पे काना देख को कुछ आवाज सुनाई देती है। तो रेन इसे पूछता है कि क्या हुआ, तो काना देख से बताती है कि कुछ लोग मिलकर एक आम आदमी के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो केन यहाँ पे जाने का फैसला करता है और हम देखते हैं एक बैंडिट का ग्रुप एक बूढ़े आदमी के ऊपर हमला कर रहा होता है। केन कहता है हमें इनकी हेल्प करनी पड़ेगी, पर काना देख से बताती है कि इन बैंडिट्स के बारे में उसने सुन रखा है, तो ये बेहतर होगा इनके ऊपर हमला करने से पहले ये और भी लोगों को यहाँ पे ले आए। पर रेन कहता है कि लगता है इनके पास ज्यादा समय नहीं है, ये जब तक यहाँ पे वापस लोगों को लेके आएंगे वो बैंडिट्स से लूट के चले जाएंगे। तो रेन और काना देख इनके ऊपर हमला करने का फैसला करते हैं और इनके ऊपर हमला भी कर देते हैं। काना देख फिर उस बूढ़े आदमी को संभालती है और उसे पूछती है क्या वो ठीक है, तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। वहीं पे काना देख सोच रही होती है कि कहीं केन उसकी पावर का कुछ गलत यूज ना करे, कहीं उसकी पावर से वो बुरा बन गया तो, कहीं उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा तो। जब वो रेन को देखती है तो उसे लगता है कि उसकी ताकत का कभी भी गलत यूज नहीं करेगा, तो रेन को उसके मास्टर के तौर पे चुनना बिल्कुल उसका गलत डिसीजन नहीं था। यहाँ पे फिर रेन को देखती है तो उसका दिल धड़कने लग जाता है, यानी कि ये रेन को अब पसंद करने लगी है। रेन फिर कुछ ही देर में सारे बैंडिट्स को ठिकाने लगा देता है और कानादे उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि वो ठीक है ना, वो बूढ़ा आदमी कहता है वो बिल्कुल ठीक है। रेन फिर कानादे से पूछता है कि उसका चेहरा लाल क्यों हो रखा है, कानादे कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, पर रेन काफी ज्यादा अमेजिंग था। फिर वो बूढ़ा आदमी दोनों का शुक्रिया करता है, पर रेन इस बूढ़े आदमी से पूछता है कि जंगल में बिना गार्ड्स के घूमना ये काफी ज्यादा डेंजरस है, अभी अभी आपकी जान चली जाती। पर ये बूढ़ा आदमी कहता है कि उसने अपने रक्षा के लिए कुछ एडवेंचर्स को रखा था पर वो लोग भाग गए। पर ये बूढ़ा आदमी कहता है कि अभी इसे इबोन फैंक्स के बारे में चिंता हो रही है, जिन्होंने भी उनसे पंगा लिया है वो आज तक जिंदा बचे नहीं है। तो यहाँ पे ये रेन को यहाँ से भागने के लिए कहता है, पर रेन कहता है कि ऐसा है तो उन सबको हम पकड़ लेंगे, और रेन उन बैंडिट्स के ग्रुप को पकड़ने के लिए चले जाता है। पर यहाँ पे काना देश से रोकती और कहती है कि 100 बैंडिट्स को पकड़ना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, पर रेन कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, और ये उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे 100 बैंडिट्स का ग्रुप रहता है। यहाँ पे फिर ये गिलहरी से बात करता है और सारा प्लान डिसाइड कर लेता है। वही काना देश सोच रही होती है वो किसी काम की नहीं, एक गिलहरी भी उससे ज्यादा यूजफुल है। तो रेन कहता है ऐसा बिल्कुल मत सोचो। तो यहाँ पे ये कहती है कि मैं तो सिर्फ मजाक करी थी, तुम्हारा प्लान क्या है रेन? रेन फिर से बताता है कि उसने कई सारे जानवरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, जिसमें से ये बीबी है, जिसकी डंक अगर तुम्हें पड़ गई तो एक इंसान 12 घंटे के लिए पैरालाइज हो जाएगा और वो कुछ भी नहीं कर सकेगा, तो हम सारे बैंडिट्स को ऐसे ही चकमा देने वाले हैं। पर कानादे से पूछते कि बीस टेमिंग और बग टेमिंग एकदम अलग अलग होती है, तो ये कहता है कि इसने बग टेमिंग भी सीख रखी अपने गाँव में। रेन फिर कानादे को वापिस टाउन में जाने के लिए कहता और कहता है कि जब तक वो बैंडिट को पकड़ेगा वो चाहता है कि वो कुछ सिपाहियों को यहाँ पे ले आए ताकि उन्हें पकड़ने में आसानी हो। कानादे इसकी बात सुन के यहाँ से चली जाती है। हम फिर रेन को देखते हैं जो कि और कई सारी मधुमक्खियों को टेम कर लेता है और कहता है कि शो को शुरू करने का समय हो चुका है। वहीं पे हमें रेन के पुराने साथियों को दिखाया जाता है, मीना और लीन को, जिन्होंने रेन की जगह एक नए एनिमल ट्रेमर को रखा होता है, और यही उस बूढ़े आदमी की रक्षा कर रहे थे। पर इनका जितना भी प्लान था वो नाकामयाब हो गया जब बैंडिट्स के ग्रुप ने इनके ऊपर हमला किया तो ये लोग वहां से भाग के आ गए। और बात रही एरियोस और एगेथ की, वो किसी पार्टी में गए हुए हैं। यहाँ पे ये लोग सोचते कि अब हम क्या करेंगे, हमारा नाम बदनाम हो जाएगा। तो लीन इस लड़के को पकड़ते और कहते ये सब इसकी गलती है, इस लड़के को वहां रुक के लड़ना चाहिए था, ये भाग गया,
हमारी तरह। ये लड़का इन्हें बताता है कि वो बीस टेमर है, ना कि कोई वॉरियर जो कि उनसे लड़ता। ये दोनों फिर इस लड़के को कहते हैं ये सब इसकी गलती है, इसने ध्यान से रास्ते को देखा नहीं, कम से कम इसे 20 या 30 स्क्रेल को टेम करना चाहिए था। ये कहता है ये इम्पॉसिबल है, तुम 20-30 की बात कर रही हो, अगर हम एक या दो एनिमल को टेम करे तो वही बहुत बड़ी बात हो जाती है, अगर कोई 20-30 को एक साथ टेम कर रहा है तो उसके दिमाग के जो सेल्स है वो पूरी तरह फट जाएंगे, ये एक तरह से इम्पॉसिबल है। लीन सोचती है कि ये क्या उसे महान बताने की कोशिश कर रहा है, ये एकदम यूजलेस है। लीन फिर से कहते है कि वो एक नंबर का बेवकूफ है, इसी वजह से इस मिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे उठानी पड़ेगी, वरना मीना और लीन मिलके इसे टॉर्चर करेगी। तो ये लड़का इस चीज के लिए मान जाता है और यहाँ से भाग जाता है। वही पे हम देखते हैं रेन को जो की बैंडिट्स के वहाँ पे आ चुका होता है और मधुमक्खियों की मदद से वो सारे बैंडिट्स को यहाँ पे पैरालाइज कर देता है, और साथ ही साथ काना देवी यहाँ पे एडवेंचर को ले आती है, पर यहाँ पे देखता है कि कोई भी यहाँ पे गार्ड नहीं आया होता है। तो कुछ एडवेंचरर्स रेन को बताते हैं कि गार्ड्स जब तक यहाँ पे नहीं आएंगे जब तक उन्हें पैसे का लालच ना दिया जाए, उन्हें कंट्री की बिल्कुल परवाह नहीं है। ये फिर रेन और कानादी को आराम करने के लिए कहते हैं, पर अचानक से किंग लेजार्ड इनके ऊपर हमला कर देता है। रेन को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा होता और वो सोच भी रहा होता है कि किंग लेजार्ड यहाँ पे क्या कर रहा है, पर रेन सोचता है कि चाहे जो हो जाए उसे और कानादे को मिलके किंग लेजार्ड को हराना ही पड़ेगा, और ये लोग किंग लेजार्ड को किस तरह हरा देते और साथ ही साथ किंग सारे एडवेंचरर्स को कहते कि सारे बैंडिट्स को यहाँ से बाहर ले जाओ, अंदर का सब कुछ ये लोग हैंडल कर लेंगे। ये लोग सारे लेजार्ड को मार के बाहर आ जाते हैं। सभी लोग इन दोनों की तारीफ करते हैं और रेन भी काफी ज्यादा खुश होता है, और साथ ही साथ ये सोच रहा होता है कि इन सभी लोगों को इसकी वैल्यू के बारे में पता है, इसकी पार्टी को इसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था, जिस वजह से इसे उन लोगों ने निकाल दिया। जिसके बाद अल्टीमेट स्पीशीज वाली कानादे ने इसकी हेल्प की इसे ताकतवर बनाने में, और ये कानादे का शुक्रिया करता है। तो ये कहानी यहाँ से टू बी कंटिन्यू जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में हमें बता सकते हैं गाइस, ताकि हम इसका अगला पार्ट ला सके। ये दो एपिसोड को जोड़ के मैंने बनाया है, फर्स्ट और सेकंड को। अगर आपको पसंद आई तो मैं और भी इसके एपिसोड लाने वाला हूँ, आप हमें बता सकते हैं कमेंट में। बस यही कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और यही और जाते जाते क्या ही कहूँगा गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।